हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है मार्केट के पैचअप जब ब्रेकअप में। तो जैसा कि अब हमने कल डिस्कस किया था कि एक और मार्केट गैप अप दे सकती है, तो मार्केट गैप अप देती है और ओपनिंग करती है 70,297 पर। और फिर तो कुछ समय के लिए, मतलब कि हाफ डे तक, ये रेंज में कंसोलिडेट करती रहती है। और फिर एकदम से ना एक अच्छी खासी डिप आती है और फिर वहीं से अच्छा खासा रिवर्स बैक करके ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देती है और अपने डे हाई पे जाकर बंद होती है। और आज के दिन का जो हाई बनाती है 17,343 और क्लोज होती है 70,325 पर। अब देखो कि मार्केट अपने हाई पर जाकर क्लोज हुई है अप्रोक्स, तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रेंथ पैदा करता है। तो उसके बाद अगर हम FIIs और DIIs की बात करें, तो आज FIIs ने भी बाइंग करी है, बट करी 35 करोड़ की है, और DIIs ने तो अच्छी खासी बाइंग करी और 1700 करोड़ की बाइंग करी। बट ओवरऑल में फिगर काफ़ी अच्छा है और ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात हो जाती है। और एक ना उमा एक्सपोर्ट IPO की वीडियो डाली गई थी, जहाँ पर अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से एक दो चेंजेस किए हैं। तो कंपनी ने QIB का कोटा कम करके 2% कर दिया गया, और रिटेल का 69% हो चुका है, HNI का 29% हो चुका है। इसके साथ ही अब मुझे भी इस IPO में, जो मैं सोच रहा था कि इस IPO में अप्लाई करूंगा ही करूंगा, बट अब जैसे ही QIB का कोटा 2% हुआ, मतलब कि एम्प्लॉयज को ने सीधा बोल दिया कि हम तो जी अप्लाई नहीं करना चाहते, तो एक तरफ से यही बात हो जाती है। तो अब इस IPO में अप्लाई करने से पहले मुझे भी सोचना पड़ेगा। अब देखो, एज अ डिफेंसिव अग्रेसिव भी अगर कहें तब भी मैं इसमें अप्लाई तो करूंगा ही नहीं, लेकिन एज बीइंग एग्रेसिव इन्वेस्टर, अगर इसमें अच्छी खासी HNI फंडिंग और QIB फंडिंग आ जाती है, फिर एंड टाइम पर मैं इसको अप्लाई करने की सोच सकता हूँ। बट अभी GMP भी नीली चल रहा है इसका, तो इसलिए अगर मैंने इस IPO को अप्लाई करना हुआ, फाइनल डे पर फाइनल डिसीजन बना लूंगा, तो मैं आप लोगों को मार्केट लव अफेयर्स के ओपन फ्री टेलीग्राम चैनल पर बता रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम पर मार्केट लव फेयर सर्च कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और कल एक शेयर की डिस्कशन हुई थी, AB वोट इंडिया, और उसने आज अच्छा खासा मोमेंट भी दे दिए गए और वो 70,000 के करीब पहुंच चुका था। अब मैं इसमें कल एक और बुकिंग करने की सोचूंगा और एटलीस्ट मैं इसे 16,600 के लेवल पर तो ट्रेल करूंगा ही करूंगा। तो अब कल की बात करते हैं कि निफ्टी कैसी रह सकती है। देखो, कल के दिन से ही हमारा जो मंथली, ईयरली, वीकली, जो मर्जी कह लो, एक्सपायरी ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, होगा थर्सडे को, बट ये स्टार्ट अर्ली स्टार्ट हो जाएगा कल के दिन से ही। तो जैसा कि अब SGX निफ्टी भी पॉजिटिव शो कर रहा है, डाउ जोन्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो एक बार हमें लग तो रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो जाएगी 70,500 से के ऊपर। बट 70,500 टू 550 की रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, और वीक मंथली, वीकली, ईयरली तीनों एक्सपायरी है, तो हमें काम थोड़ा सोच संभल के करना पड़ेगा, और F&O में तो खास कर, क्योंकि अब इस ऐसी एक्सपायरीज में होता क्या है कि जैसा कि हम लोगों को लगता है कि जैसे हमने मंडे के दिन डिस्कस किया था कि एक बार मार्केट रिट्रेस करके 70,500 तक की जर्नी कंप्लीट कर लेगा, अब वो तो जर्नी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है, लेकिन अब 70,500 के ऊपर मैं एग्रेसिवली अभी बाइंग नहीं करूंगा। बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी कभी भी मार्केट 70,100 की रेंज तक आए, जैसे 70,000 to 70,100 की रेंज तक आए, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अब जहां पर मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचूं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हमेशा तभी होती है जब आपका उसमें प्रॉफिट चल रहा हो। और इसी के साथ अगर हम कल के दिन स्पोर्ट की बात करें एज पर डाटा, तो 17,000 की मेजर स्पोर्ट रहने वाली है, और उसके ऊपर 70,200 to 250 की रेंज एक माइनर स्पोर्ट का काम करने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट 70,500 से ऊपर जाएगी तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, मैं ये कभी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मार्केट अप ट्रेंड में है और वहां पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं यूज करनी होती है। अगर करनी है तो हम सिर्फ इंट्राडे में ही करते हैं, कैरी ओवर तो कभी नहीं करते। बट फिर भी अगर मार्केट मुझे मौका देगी 1700 तक का, तो मैं वहां पर जरूर यूज करूंगा बाइंग करने की। बट अब अग्रेसिवली मैं 70,500 के ऊपर बाइंग करूँ, वहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। और एक बार अगर एक्सपायरी ये निकल जाए, मतलब
कि जब मार्च का मंथ निकल जाए तो उसके बाद अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि, और नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे, नेक्स्ट मंथ भी देखेंगे कि उसके स्कोरिंग क्या सिनेरियो चल रहा है और हम कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्या मार्केट का सीन है। तो अभी तक तो यही है कि इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अब मैं एग्रेसिवली बाइंग नहीं करूंगा और शॉर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मुझे मौका मिलेगा 70,000 to 70,100 की रेंज में तो वहां पर मैं जरूर बाय करूंगा। या कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें, क्योंकि जहाँ पर सिर्फ ये एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव के लिए है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।